पथरी का ऑपरेशन कराने गलती से झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच गए घर वाले। फिर जो हुआ जानकर काबूठी की आव की रूह, अच्छे अच्छों का हिल जाएगा माथा। पित की पथरी का होने वाला है ऑपरेशन, तो हो जाइए सावधान। इस खबर को देखने के बाद ही ले ऑपरेशन कराने का फैसला, वरना किसी की भी हो सकती है ये हालत। एक तरफ दर से तड़पता रहा 15 साल का मासूम, दूसरी तरफ YouTube पर वीडियो देखकर ऑपरेशन का तरीका सीखता रहा डॉक्टर, अब दर दर भटक रहा परिवार। बिहार में छपरा के मड़ौरा थाना क्षेत्र में एक निजी नर्सिंग होम में पथरी का इलाज कराने गए 15 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे का इलाज जिस तरीके से किया जा रहा था, उसमें कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संबंध में बताया जाता है कि परिजनों ने इलाज पर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं इस घटना से सनसनी फैल गई है, स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि निजी नर्सिंग होम के फर्जी डॉक्टर ने बच्चे की पथरी का ऑपरेशन यूट्यूब पर ऑपरेशन का वीडियो देखकर किया था। इस संबंध में मृतक के दादा प्रहलाद प्रसाद शाह ने बताया है कि उनके पोते को पेट में दर्द की शिकायत थी। उसको इलाज के लिए गणपति सेवा सदन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर ने मोबाइल पर यूट्यूब पर देख देख कर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद हालात बिगड़ने लगे तो इलाज के लिए बच्चे को पटना भेज दिया, लेकिन पटना पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने साफ साफ कहा है कि ऑपरेशन करने के दौरान डॉक्टर बार बार मोबाइल पर यूट्यूब को खोल खोल कर देख रहा था। मामले में परिजनों ने प्राथमिकता दर्ज कराई है, पुलिस छानबीन में जुट गई है। बताया जाता है कि इस ऑपरेशन के बाद जब स्थिति बिगड़ने लगी तो निजी नर्सिंग होम ने खुद एम्बुलेंस ठीक करके एक कर्मी के साथ उसे पटना भेजा गया, और पटना पहुंचने के पहले ही रास्ते में इस बच्चे की मौत हो गई। घटना छपरा के गड़खा थाना क्षेत्र के मोतीराजपुर धर्मबागी स्थित गणपति सेवा सदन नाम के एक नर्सिंग होम बताया गया है। इस घटना में मृत बच्चा मड़ौरा थाना के भुवानपुर निवासी चंदन शाह का 15 वर्षीय पुत्र कृष्ण कुमार उर्फ गोलू कुमार है। वही घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दूसरी तरफ बच्चे को इलाज के लिए पटना भेजने के साथ ही अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम के फर्जी डॉक्टर और कर्मी फरार है। घटना से आक्रोशित परिवार शव को लेकर मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंची गड़खा थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा बनाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदन अस्पताल भेज दिया। शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने भारी मन से गांव में ही नदी किनारे अंतिम संस्कार कर दिया। इस पूरी घटना पर गड़खा थाना अध्यक्ष DSP प्रशिक्षु ईशा गुप्ता ने बताया है कि इस पूरी घटना पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्राथमिकता दर्ज की जा चुकी है, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक इस घटना के आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले।